तो वहाँ पे आपका एकेडमिक रिकॉर्ड देखा जाता है कि आपका जो बीएससी का परसेंटेज कितना था, आपका एमएससी का परसेंटेज कितना था, तो यार वहाँ पे आपके बीएससी के परसेंटेज देखे जाते हैं। तो यार परसेंटेज मैटर करते हैं, पर आपके मन में सवाल उठता है सर यार कितने होने चाहिए, आप तो बता दो यार आपका परसेंटेज जो होना चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। आप बीएससी कर रहे हैं तो परसेंटेज क्या इंपॉर्टेंट होते हैं? वैसे देखा जाए तो परसेंटेज बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, पर स्टूडेंट्स के कमेंट थे कि सर इस पर एक ज़रूर वीडियो बनाइएगा कि सर मैं बीएससी कर रहा हूँ तो कितने परसेंटेज होने चाहिए बीएससी में ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, और क्या परसेंटेज आगे बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो भैया परसेंटेज बहुत मैटर करता है, और क्यों मैटर करता है ये भी बताने की कोशिश करूँगा, और कितना परसेंटेज बीएससी में होना चाहिए। भाई मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आप 85-90 बना लो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि भैया परसेंटेज कोई इंपॉर्टेंट नहीं 45% बना लो। भाई आपके पास एक रिजनेबल परसेंटेज होने चाहिए आपके बीएससी में ताकि आपको फ्यूचर में दिक्कत ना आए। तो आज इसी के बारे में बात करने वाला हूँ, तो सुन शुरू करते हैं। इसमें बात करी जाए तो कोई भी अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उस कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर मिनिमम एलिजिबिलिटी हमेशा होती है। वैसे देखा जाए तो मिनिमम एलिजिबिलिटी 50% नॉर्मली रिक्वायर्ड होती है, पर अगर कोई बच्चा बीएससी का और वो आईआईटी जेन एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो वहां पे 55% मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है। कुछ एनआईटीज ऐसी है जो कि एमएससी के लिए मिनिमम 60% का रिक्वायरमेंट रखती है। तो भैया अगर आपको यहां पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करी जाती है तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से आपका मिनिमम 50% यहां पे होना चाहिए। यार एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिस पर मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था, जब स्टूडेंट 11th 12th में होता है तो बहुत मेहनत करता है, मतलब मैंने देखा है बच्चों को स्कूल भी जा रहे हैं, 3-4 घंटे एक्स्ट्रा भी पढ़ाई कर रहे हैं, पर जैसे ही स्टूडेंट कॉलेज में आता है वो पढ़ना कम कर देता है, वो मजे करना चालू कर देता है, जबकि सही समय जो होता है पढ़ने का वो ग्रेजुएशन का टाइम होता है, क्योंकि यही आपका फाउंडेशन होता है और यही आपको इन फ्यूचर आगे आपको एक डायरेक्शन डिसाइड करता है, और जिससे आप जॉब भी ले सकते हो या फिर आप हायर एजुकेशन में जा सकते हो या फिर आप कुछ और भी कर सकते हो जो आप लाइफ में करना चाहते हैं, पर जो ग्रेजुएशन का टाइम होता है वो बड़ा क्रूशल होता है। तो यार परसेंटेज मैटर करते हैं, पर अगेन वही क्वेश्चन उठता है कि सर कितने परसेंटेज होने चाहिए। कि यार मेरे हिसाब से आपके जो परसेंटेज कितने होने चाहिए वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर अपन सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। इसमें अगर आप एडवांस डिग्री करना चाह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप एमएससी करें, तो बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहां पर परसेंटेज के हिसाब से मेरिट बनती है, उसके हिसाब से आपका वहां पे एमएससी में एडमिशन होता है। अगर आप आईआईटी जेम देना चाह रहे हैं तो भैया वहाँ पे भी आपका 55% मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है। इस पर मैंने बहुत अच्छा डिटेल वीडियो बना रखा है कि अगर आप आईआईटी जेम एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे आप वीडियो देख सकते हैं। बाकी अगर आप एनबीएचएम है, टीआईएफआर है या और भी अलग अलग एग्जाम देना चाह रहे हैं, मास्टर्स या मास्टर्स प्लस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, इसी प्रकार से सीयूटी पीजी एग्जाम होता है, तो वहाँ भी आपके पास कहीं ना कहीं अगर आप एडवांस डिग्री करना चाह रहे हैं तो भैया आपके परसेंटेज अच्छे होने चाहिए। अगर आप एमबीए करना चाह रहे हैं या कुछ और भी करना चाह रहे हैं, भैया परसेंटेज मैटर करता है, है ना? तो हायर एजुकेशन के लिए भी परसेंटेज यहाँ पे मैटर करता है। अगर आप फ्यूचर में टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं या फिर रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, आप जब बीएससी कर रहे होते हैं तो परसेंटेज पे इतना दिमाग नहीं लगाते हैं, फिर आप एमएससी कर लेते हैं, और जब आप नेट की तैयारी कर रहे होते हैं या फिर आप गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर जब आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, मान लीजिए आपने बीएससी करने के बाद बीएड कर लिया, जब आप प्राइवेट स्कूल में कहीं पर भी अप्लाई करते हैं एज ए प्राइवेट जॉब टीचिंग के लिए, तो यार वहाँ पर आपके बीएससी के परसेंटेज देखे जाते हैं, राइट? अगर आप गवर्नमेंट में जाएंगे तो गवर्नमेंट में वैसे आजकल इंटरव्यूज नहीं होता, वहाँ सीधा कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है तो वहाँ पे चलता है, पर अगर आप यहाँ पे रिसर्च में जाना चाहते हैं, मान लीजिए अगर आपने बीएससी करा, एमएससी करा, फिर आपने नेट एग्जाम क्रैक कर दिया, या फिर विदाउट नेट अगर आप पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करते हो, जब आप पीएचडी इंटरव्यू में जाते हैं तो वहाँ पे आपका एकेडमिक रिकॉर्ड देखा जाता है कि आपका जो बीएससी का परसेंटेज कितना था, आपका एमएससी का परसेंटेज कितना था, तो भैया वहाँ भी परसेंटेज मैटर करता है। तो भैया आपको बताना चाह रहा हूँ बीएससी में परसेंटेज बनाना बहुत ईजी है। देखो पुराने पास से 7 साल के पेपर को आप पढ़ लो, ऑलमोस्ट क्वेश्चन वही रिपीट करते हैं। अगर आप गवर्नमेंट किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हमारे YouTube पे मैथ्स पढ़ते हैं। अगर आप बायोलॉजी या फिजिक्स या केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपके भी YouTube चैनल पे बहुत सारे लोगों ने वीडियोज़ अपलोड कर रखे, तो वहाँ से आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। पर यार परसेंटेज तो आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, पर आपके मन में सवाल उठता है सर यार कितने होने चाहिए, आप तो बता दो यार आपका परसेंटेज जो होना चाहिए वो 65 से ऊपर होना चाहिए, कम से कम 65% तो आप बना के चलिए। 65 से 75 बहुत अच्छा रेंज है, अगर आप 65 से 75 के बीच में परसेंटेज लेके आते हैं तो आपके लिए कहीं प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं ये भी नहीं कहना चाहता हूँ कि आप इतना पागल हो जाओ परसेंटेज के पीछे कि आप 85-90% बना रहे हो और आप दूसरा कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आप
बीएससी कर रहे हैं, साथ में आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं, या फिर आप कल्चर इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या फिर कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहे हैं, या फिर एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ आप कर रहे हैं और साथ में अपना बीएससी कर रहे हैं, तो यार फिट तो ठीक है, आपका 65 से ऊपर परसेंटेज होना चाहिए और एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी में आप अच्छा कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में रीपे करेगा। पर अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली आप परसेंटेज ही बना रहे हैं, न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भैया वो परसेंटेज वेस्ट है। ज्यादा परसेंटेज भी किसी काम का नहीं है, क्लियर है। हर चीज की जो अति होती है वो कहीं ना कहीं दुखदाई होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सर बोलते हैं कि सर हम IIT में एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हमारे साथ साथ में BSc भी चल रहा है, तो सर हम कैसे मैनेज करें। भैया बहुत ईजी है, क्योंकि जो भी आप IIT में पढ़ रहे हैं वही आपके BSc में पूछा जाता है। और अगर आप IIT में एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं, यार परसेंटेज 65 तक भी आएगा तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सर मैं बैंक की तैयारी कर रहा हूँ, या मैं SSC की तैयारी कर रहा हूँ, या सर मैं कुछ और एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, स्टेट का कोई एग्जाम उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो भैया फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज आप 65 तक बनाएंगे तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो अगर आप पैरेलल कुछ कर रहे हैं तो फिर तो परसेंटेज इतना इनफ है। पर अगर आप खाली BSc कर रहे हैं और उसके बाद भी अगर आपके परसेंटेज कम बन रहे हैं तो फिर तो समस्या वाली बात है, राइट। खैर ज़्यादा परसेंटेज भी मैंने मना किया है, पर आपका इतना कम भी परसेंट नहीं होना चाहिए कि पता पड़ा कि सर 55% बन रहे मेरे, या सर 60% बन रहे हैं, और साला ना तो आप IIT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ना आप किसी गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ना आप कॉलेज में स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ना ही आप कल्चर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, परसेंटेज में भी आप मरे जा रहे हैं, तो फिर तो बहुत समस्या वाली बात, आपको सोचना चाहिए। अब एक सवाल और उठता है कि सर यार बात तो सही करी, पर आपने जो ये वीडियो बनाने में बहुत देरी कर दी सर, अब तो मैं थर्ड ईयर में आ गया हूँ और सर मेरा ऑन एन एवरेज जो है वो 55% है। तो भैया परेशान मत होइए, अगर आपके 55% भी हैं, अगर आप एग्जाम क्रैक करते हैं और आप मेहनत करते हैं, तो यार आप अपने मेहनत के दम से इस परसेंटेज को आप नलीफाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपके परसेंटेज 55 बन रहे हैं और आपने कोई बैंक का एग्जाम क्रैक कर दिया, या फिर आपने SSC का एग्जाम क्रैक कर दिया, फिर आपने रेलवे का एग्जाम क्रैक कर दिया, या फिर आप BEd करने के बाद आपने सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड या TGT PGT का एग्जाम क्रैक कर लिया, तो फिर ये परसेंटेज किसी काम की नहीं। भैया पाप तो आपको धोने पड़ेंगे अगर आपने पाप किया है, राइट। अब वो गंगा है, उसके अंदर कब नहाओगे और कब क्या करोगे वो आपको डिसाइड करना है। आपको यहाँ पे एक बात समझने की जरूरत है कि जो भी आप एजुकेशन कर रहे हैं उस एजुकेशन के अंदर आपको अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ेगा। भैया आपका परसेंटेज कम है तो फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स कहीं और डायरेक्शन में लग रहे तो जस्टिफाई होता है कि चलो यार आप ये काम कर रहे थे, आपके परसेंटेज कम बने, पर पता पड़ा था आप कुछ नहीं कर रहे हो और फिर भी आपके BSc के अंदर परसेंटेज कम है, तो भैया समस्या वाली बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे काम आते हैं। वैसे मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप अपने परसेंटेज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके 8% अभी कितने परसेंटेज बन रहे हैं, और साथ में आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या क्या ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके परसेंटेज कम बन रहे हैं। और ये भी चाहूंगा कि सर मेहनत तो बहुत करता हूं पर सर मेरे परसेंटेज कम बनते हैं, अगर ऐसा भी कुछ है तो ये भी बताइएगा, मैं इस पर बहुत जल्दी एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हैं आप BSc में पर आपके परसेंटेज कम बन रहे हैं, तो क्या ऐसे रीजन है, क्या ऐसा करें कि आपके परसेंटेज बहुत अच्छा बने। अगर आप चाहते हैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं मैं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे, इसमें जो परसेंटेज होता है वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करता है। अगर आप बहुत अच्छे परसेंटेज बनाते हैं ये आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करता है। आप कोई भी काम करें, चाहे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप कुछ और भी, आप फ्यूचर में किसी प्राइवेट सेक्टर में भी जा रहे हैं, अगर आपका परसेंटेज अच्छा है वो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट महसूस कराता है। तो परसेंटेज कहने के आपके कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। सुन प्लेसमेंट्स के लिए आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं, आप जैसे मान लीजिए टीचिंग फील्ड में जा रहे हैं, या फिर आप कुछ अगर केमिस्ट्री के स्टूडेंट है और आप किसी केमिकल इंडस्ट्री में आप काम के लिए जा रहे हैं, या फिजिक्स के स्टूडेंट है और किसी इंडस्ट्री में आपने अप्लाई किया है, वहाँ पे अगर आपके परसेंटेज अच्छे हैं तो कहने के आपका एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट कर। परसेंटेज अच्छा होने का मतलब ये होता है कि वो आपका डेडिकेशन दिखाता है कि आपने अपने ग्रेजुएशन के अंदर कितना डेडिकेशन होके स्टडी करी है ना। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि BSc के अंदर परसेंटेज बनाना बहुत ईजी है, मतलब कोई ज़्यादा बड़ा गेम नहीं है। अगर आप प्रैक्टिकल प्रॉपर तरीके से लैब अटेंड कर रहे हो तो प्रैक्टिकल में सीधे सीधे आजकल मार्क्स मिल जाते हैं, राइट। पेपर का पैटर्न देखो तो पुराने सालों के अंदर ही क्वेश्चन आ जाते हैं। नॉर्मली जो टीचर्स होते हैं क्लास में पढ़ाते हैं या फिर हमारे YouTube के माध्यम से आप पढ़ रहे हैं, तो भैया उसमें से सब कुछ आपको मिल जाता है। और अगर आप BSc मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि जो मेरा बड़ा वाला चैनल जहाँ पर मैंने BSc के बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, उनमें से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सर मैंने ये टॉपिक पढ़ा था और इस टॉपिक में सभी क्वेश्चन आपके उस वीडियो से आए थे, मेरे बहुत अच्छे परसेंटेज बने। थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि हाँ सर ये बात सही है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सुन लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो कि होता है स्कॉलरशिप। अगर आप BSc कर रहे हैं, आपके परसेंटेज अच्छे हैं, आपके बैक्स नहीं है, तो गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारे स्कॉलरशिप आपको मिलती है अगर आप माइनॉरिटी में आते हैं, या अगर आप SC ST या OBC कैंडिडेट हैं, या फिर अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी स्कॉलरशिप्स होती है जो कि आपको मिल सकती है।
पर उसके लिए आपका बैक नहीं होना चाहिए, आपके परसेंटेज बहुत अच्छे होने चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको स्कॉलरशिप वहाँ पे मिलती है। अगर आप बीएससी के बाद एमएससी करते हैं तो बहुत सारे ऐसे भी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस होते हैं, अगर आपके परसेंटेज बहुत अच्छे होते हैं तो वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप अपने एमएससी के साथ साथ मिलती है, जो कि आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल हेल्प करती है। अगर आप फॉरेन में भी जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जो कि अगर आपके परसेंटेज बहुत अच्छे हैं तो उसके लिए भी आपको इसमें हेल्प मिलती है। सुनिए, यहाँ पे बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, पर लास्ट में मैं कंक्लूड करना चाहूँगा कि बीएससी कर रहे हैं तो भाई अगर आप 2 से 3 घंटे डेडिकेशन के साथ स्टडी करें तो आप बहुत अच्छे परसेंटेज बना सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लीजिए, हमारे यूट्यूब वीडियोज़ हैं और जो भी क्लासेस के अंदर आपको प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं, आप थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ प्रैक्टिकल भी ज्वाइन करें, क्योंकि होता क्या है कि टीचर पढ़ाना चाहते हैं पर स्टूडेंट वहाँ पे अवेलेबल नहीं होते हैं, स्टूडेंट पढ़ना चाहता है पर टीचर के पास कुछ ना कुछ काम होते हैं जिसकी वजह से वो पढ़ा नहीं पाते। आजकल बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस भी हैं जहाँ पर टीचर्स अवेलेबल नहीं है। अगर मेरी इस बात से आप सहमत हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पर मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि भैया आप लास्ट में जब आप बीएससी करके निकलेंगे तो आप किसी भी जगह इंटरव्यू देने जाएंगे और आपके परसेंटेज कम है तो आप ये एक्सक्यूज़ नहीं गिना सकते कि नहीं मेरे यहाँ टीचर नहीं थे, मेरे यहाँ लैब नहीं थी, मेरे यहाँ वो नहीं था। आप कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं गिना सकते। अल्टीमेटली गलती आपकी, भाई रिसोर्सेज नहीं थे, पर आपको तो मेहनत करनी चाहिए, आपको दूसरी तरफ रिसोर्सेज ढूंढने चाहिए, राइट। तो मैं आप सभी से ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप बीएससी कर रहे हैं और ये गलती आप कर रहे हैं कि परसेंटेज पे ज़्यादा ध्यान नहीं, आपके परसेंटेज कम है, तो मैं निवेदन करूँगा कि अपने परसेंटेज पे फोकस करिए और आपका परसेंट 65 से 75% के बीच में होना चाहिए। ज़्यादा परसेंट के पीछे भी मत भागिए कि भैया आप बहुत दिमाग दिन भर पढ़ाई में लगा रखा है और दूसरा कुछ कर नहीं रहे। अगर आप 85-90% भी बना लेंगे और अगर आप साथ में IIT जेम एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं या किसी गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं या आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं या कल्चर इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो जो 85% या 90% है वो किसी काम का नहीं है। तो कहने के आपको चीज़ों को बैलेंस करना यहाँ पे पड़ेगा। तो स्टूडेंट लास्ट में मेरा आप सभी से एक ही मैसेज है कि आप बीएससी के साथ साथ कुछ करते रहिए और अपने जो परसेंटेज है बीएससी के उसको मेंटेन करिए ताकि आपको फ्यूचर में इन दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। बाकी अगर आप CSIR नेट IIT जेम एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप हमारा मैथ्सकेयर ऐप जो है वहाँ पे हमारा कोर्स ले सकते हैं। सुन हमारे 249 की शॉर्ट नोट्स बुकलेट है जो कि बहुत हेल्पफुल अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। बाकी हमारी बुक्स है जो कि CSIR नेट गेट IIT जेम CETPG के लिए बहुत हेल्पफुल, इनको आप फ्लिपकार्ट अमेजॉन से बाय कर सकते हैं। सुन ये हमारा एप्लीकेशन है जहाँ पर आप CSIR नेट गेट IIT जेम CETPG का कोर्स मैथ्सकेयर ऐप पे आप बाय कर सकते हैं अगर आप बीएससी के साथ साथ या एमएससी के साथ साथ तैयारी करना चाह रहे हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे क्लासेस के अपडेट्स लेना चाह रहे हैं तो आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। सुन बीएससी के लिए क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें मैंने बहुत सा वीडियो अपलोड कर रखा है, वो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। सुन मैथ्स के ऐप पे कैसे सब्सक्रिप्शन लेना इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।